नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस वक्त दरभंगा ज़िले में गौरा बौराम क्षेत्र में मौजूद हैं और हम उन महिला के घर में इस वक्त मौजूद हैं जो इस क्षेत्र की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ये बात जानना अहम है कि ये पहली महिला उम्मीदवार है जो इस क्षेत्र की सीट से चुनाव लड़ रही हैं। स्वर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, इतनी दूर आने के लिए और ये सारा चीज़ कैप्चर करने के लिए। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम इस वक्त स्वर्णा जी के घर में मौजूद हैं ये जानने के लिए कि इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, इनकी दिनचर्या क्या रहती है, किन मुद्दों को लेकर स्वर्णा जी चुनाव लड़ रही हैं। क्योंकि बिहार में हमने देखा है कई मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, लोगों के पलायन का मुद्दा है, यहाँ हमने कई जगह का दौरा भी किया स्वर्णा जी, तो उसमें भी हमने देखा कई लोगों की समस्याएँ हैं, तो आज हम यहाँ यही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं स्वर्णा जी से कि उनकी दिनचर्या क्या रहती है। सबसे पहले तो मेरा उठ के पूजा पाठ होता है, उसके बाद नाश्ता करके मैं घर से निकलती हूँ। तो अंशिका जी, आप नाश्ता शुरू करें, नाश्ता कीजिए। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ नाश्ते की थाली पूरी रखी हुई है, स्वर्णा जी भी मेरे साथ ही यहाँ नाश्ता करेंगी। स्वर्णा जी, मैं चाहूँगी एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस नाश्ते की थाली में है क्या और ये इसे क्या कहा जाता है। ये एक बिल्कुल दरभंगा स्टाइल का सब्जी है, आलू चना का सब्जी है, अचार है जो कि ज़रूरी है दरभंगा में, दही तो बिल्कुल मस्ट है और गुड़ जो हम लोग खाते हैं दही के साथ, गुड़ और पूड़ी। ये नाश्ता जनरली दिन में नाश्ता करके हम निकलते हैं। तो ये जो नाश्ता है ये आप अपने रोज़ की लाइफ में यही नाश्ता करते हैं? रोज़ की लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कभी पराठा होता है, कभी पूड़ी होता है, कभी रोटी होता है, बाकी सब्जियां तो वो होती हैं तरह तरह की, जो दरभंगा जो टिपिकल बिहारी स्टाइल की सब्जियां हैं बस वही होती हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, जैसा कि स्वर्णा जी ने बताया कि इस थाली में आलू चने और दही पूड़ी अचार कुछ मीठा यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये पूरी स्वर्णा जी ने अभी हमको बताई कि उनकी दिनचर्या रहती है। आगे अब हम देखेंगे कि स्वर्णा जी किस तरह से अपना प्रचार कर रही हैं, लोगों को किस तरह से लुभा रही हैं कि वो उनके समर्थन में वोट दें। अब तक हमने देखा कि स्वर्णा जी की दिनचर्या सुबह से लेकर नाश्ते तक की क्या रहती है, अब आगे हम देखेंगे कि वो किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रही है, तो चलिए देखते हैं। अब तक हम घर में गए स्वर्णा जी के, उधर देखा क्या नाश्ता करती हैं, किस तरह से पूरा अपना नाश्ते तक का दिन निकालती हैं, फिर हम बाहर से चलकर गाड़ी में बैठे, अब हम गाड़ी में बैठकर ये देखने जा रहे हैं कि स्वर्णा जी अपना चुनाव प्रचार कैसे कर रही हैं, किस तरह से वो लोगों को लुभा रही हैं कि उनके समर्थन में जनता का वोट जाए, क्या उनके मुद्दे हैं। तो स्वर्णा जी, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस सीट से आप पहली महिला उम्मीदवार हैं। अब तक की इतिहास में यही देखा गया कि ना तो किसी महिला ने इस सीट से चुनाव लड़ा है और ना ही कोई जीता है, आप पहली महिला उम्मीदवार हैं, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त चुनाव की टिकट लेकर चुनाव लड़कर? पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जी का धन्यवाद करूंगी कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार किसी महिला पर विश्वास किया और मुझे योग समझा, इतना योग समझा कि मुझे टिकट दिया। और मुझे, मैं कुछ उद्देश्य से इस क्षेत्र में आई हूँ। मैं अपने पिताजी स्वर्गीय सुनील कुमार जी के साथ घूमती थी, तो जब घूमते घूमते मुझे काफ़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मतलब ये इतना पिछड़ा इलाका है तो क्यों ना यहाँ पे इस जगह के लिए कुछ किया जाए। तो आपके लिए जो चुनाव आप लड़ रही हैं उसमें खड़े होने के लिए आपकी इंस्पिरेशन आप किसको मान रही हैं? मेरे इंस्पिरेशन मेरे पिताजी हैं। पिताजी को मान रही हैं? पिताजी हैं, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मेरे पिताजी, मेरे स्वर्गीय ससुर जी और मेरे अपने पिताजी बिरकेश्वर प्रसाद सिंह भी MLC रह चुके हैं 12 साल कोसी क्षेत्र से। तो मुझे अपने दोनों पापाओं से ये इंस्पिरेशन मिला कि मैं क्यों नहीं आऊं क्षेत्र में और लोगों के लिए कुछ करूं। अच्छा स्वर्णा जी, जैसा कि आपने चुनाव प्रचार अपना अभी कर रहे हैं, हम भी देखने के लिए जा रहे हैं, तो एक छोटा सवाल मैं करना चाहूँगी कि अब तक आपके अकॉर्डिंग कितना आप किलोमीटर चल ली होंगी इस यात्रा में?
इसका तो मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, मेरा अनलिमिटेड होगा। आई डोंट नो कि कितना कितना किलोमीटर मैंने पैदल चला होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि इतना पैदल चल के ही यहाँ पे लोगों के घर जाके, डोर टू डोर जाके ही लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है, और लोग बिना लोगों के विश्वास के विश्वास जीते हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त कोरोना महामारी के चलते कई समस्याओं का सामना भी हमको करना पड़ रहा है, आपको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। जिस तरह से हर बार चुनाव लड़े जाते हैं, प्रचार किया जाता है, उस तरीके से इस बार नहीं प्रचार किया गया होगा, तो आपको किन किन इस वक्त समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्याएं तो इस बार बहुत आई हैं कोरोना की वजह से, जैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, लोगों के पास जाना हम लोगों के लिए भी थोड़ा रिस्की है कि लोगों के पास जाना, डोर टू डोर जाना और कैंपेन करना, ये थोड़ा मुश्किल तो रहा है, इस बार बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन अब चुनाव है और लड़ना है तो सारी समस्याओं का समाधान तो निकालना ही होगा। आप ही समाधान निकालेंगे तभी जनता आप पर विश्वास करेगी और अपना समर्थन आपको देंगी। जैसे स्वर्णा जी, मैं बिहार पहली बार आई हूँ, मैंने आज तक सुना था कि बिहार में विकास की बहुत ज़रूरत है, लोगों का पलायन का मामला यहाँ पर बहुत है, कि यहाँ पर इतना एडवांस नहीं है बिहार, तो लोग यहाँ पर काम मजदूरी और जो भी उनका काम वाम है यहाँ नहीं कर पाते, तो उसके लिए उनको पलायन करना पड़ता है शहरों की तरफ। तो आप जिस तरीके से यहाँ डोर टू डोर जाकर आपने प्रचार किया, लोगों से बातचीत की, आपको यहाँ क्या उनकी समस्याएँ देखने को मिली? देखिए, समस्याएं तो यहाँ बहुत सारी हैं, यहाँ रोज़गार की समस्या मेन है, युवाओं को रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है, तो ये है कि आप यहाँ हम लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं योजनाएं लाएं जो कि पलायन ना हो यहाँ पे, लोग यहीं पे रह के, युवाएं स्पेशली यहीं रह के काम कर सके। जैसे हम लोग की कुछ योजनाएं हैं, अभी तो बहुत सारी योजनाएं हम लोग बना के रखें, अगर मैं जीत गई तो ज़रूर इन सब योजनाओं पे फोकस करूंगी, सरकार से बात करूंगी। जैसे छोटा छोटा मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे मछली पालन, क्यों नहीं हम मछली पालन को ही इतना करें, इतना बड़ा छोटा छोटा जगह पे पॉन्ड्स बना के और मछली पालन का ही योजना एक लाएं, ताकि बहुत लोगों को इसमें ही काम मिल जाए, उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। और दूसरी बात, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा फोकस किए हैं मखाना पे, तो मखाना उत्पादन यहाँ बहुत ही एक, आप लोग को पता होगा कि इस क्षेत्र में ही मखाना होता है, तो क्यों नहीं मखाना उत्पादन को ही इतना फोकस करके इतना ग्रैंड स्केल पे किया जाए, ताकि लोग को रोज़गार मिले। और अभी हम और आपको नहीं पता है, लेकिन मखाना से रोज़गार बहुत मिल सकता है, और एक दो साल में ही मखाना उत्पादन से वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है मखाना। और मखाना एक, आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत ही हेल्दी फूड होता है, ये हम लोग व्रत में भी खाते हैं, ये हम लोग नॉर्मल डेज, हम लोग मिथिला वासी नॉर्मल डेज में भी मखाना रोज़ खाते हैं, क्योंकि एक बहुत न्यूट्रिशन होता है इसमें बहुत, और बहुत हेल्दी फूड होता है ये। मखाना उत्पाद पर हमने स्वर्णा जी की पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर सुनी। अब एक मेरे मन में एक सवाल आया, जैसे हम लोग बिहार आए, कैपिटल टीवी की पूरी टीम, हमने कई गांव का दौरा किया, यहाँ पर कई जगह हमने देखा, लोगों की समस्याएं तो थी, लेकिन उसमें सबसे अहम समस्या ये थी कि वहाँ पर पुल नहीं थे। बाढ़ के बारे में हमने बिहार में सुना है, बाढ़ में काफ़ी नुकसान होता है, कई लोगों की मौत हो जाती है, बाढ़ के चलते ही गांव भी बट गए हैं, और इतनी समस्या है कि एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का जाना मुश्किल है, बच्चे वहां पर पढ़ने नहीं जा पाते हैं, लोग अपने काम पर नहीं जा पाते हैं। तो उन गाँव के लोगों ने एक नारा वहाँ पर बना कर रखा है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने जब उन लोगों से बात की तो उन लोगों ने साफ ये चीज़ कही कि पुल नहीं तो वोट नहीं, जब तक कोई भी सरकार आती है वो यहाँ पर पुल नहीं बनवाती है तो हम किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी को, किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, ये तो सही कहा आपने, ये बहुत मतलब यहाँ पर मुश्किल है कि छोटे छोटे गाँव से जो जुड़े होने चाहिए पुल, छोटी छोटी जो पुलियाँ होने चाहिए वो भी अभी तक नहीं बने हैं, तो ये मैं मेरा वादा है लोगों से यहाँ पे कि मैं मैक्सिमम जितना हो सकेगा उन लोगों के लिए मैं छोटे छोटे गांव में, जो एक गांव से दूसरे गांव ज्वाइन करते हैं, उसमें पुलिया बनवाऊंगी और यहाँ पे बांध बनवाऊंगी, और पूरे ऊपर लेवल तक जाके
मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से भी जी से भी निवेदन करना होगा, अगर मुझे यहाँ पे एक दो मेजर जगह है, एक जमालपुर का पुल और एक बिरौल का पुल, ये दोनों जगह बांध बनना ही चाहिए। स्वर्णा जी, जैसे आप बता रही हैं, ये जो महिलाओं की समस्या डिलीवरी की, प्रेगनेंसी की, ये एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर निकली थी। कई कहानियाँ भी हमको सुनने को मिली, उन लोगों ने यही बताया कि कोई उनकी सूद लेने वाला वहाँ पर नहीं है। स्वर्णा जी, एक बांध की समस्या भी वहाँ पर देखने को मिली। बाढ़ के जब हालात बन जाते हैं, पानी वहाँ रुक नहीं पाता है, लोगों के घर बह जाते हैं, कई लोग उस बाढ़ में बह जाते हैं, उसकी भी सूद लेने वाला कोई नहीं होता सरकार की तरफ से। उधर भी अभी तक, या किसी भी सरकार की तरफ से वहाँ पर अभी तक कोई भी समाधान उसका नहीं निकाला गया, तो उस पर आपकी अब आप क्या करने वाली हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये जो पानी इकट्ठा होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं है, पानी निकासी का समाधान निकालना होगा सबसे पहले हम लोगों को। तो इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक दिन में आप कर नहीं सकते हो। तो इसके लिए हो सकता है समय लगे, एक साल लगे, दो साल लगे, पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ ऐसे रोड बनवाए जाए जहाँ ड्रेनेज सिस्टम हो, वो ऑल वेदर रोड बनवाया जाए, जो बाढ़ आया और रोड टूट गया ऐसा नहीं हो। क्योंकि ये हर साल रोड बनता है ऐसा नहीं है, रोड बनाते ही सरकार बनाती है, लेकिन क्या है, पानी आता, बारिश आने से, चार महीने पानी रहने से ये रोड वापस टूट जाता है। तो हम लोगों को कोई ऐसा सिस्टम सोचना होगा, कुछ ऐसा मेथड देखना होगा जहाँ की रोड अगर एक बार बनवाएं तो वो बाढ़ से टूटे नहीं। आप महिला उम्मीदवार यहाँ से पहली हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से खड़ी हो रही हैं, गांव-गांव जाकर आप प्रचार कर रही हैं, महिलाओं से भी आपने बातचीत की होगी। एक जनता में हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर लड़कियों को, औरतों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या आपको भी वही माहौल गांव में जाकर देखने को मिला, या फिर औरतों के बीच में भी आपका उतना ही नाम था जितना बाकी जनता के बीच में आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, महिला सशक्तिकरण तो बहुत ही मतलब मेरी प्राथमिकता है, और मैं ये बोलूँगी कि जितना यहाँ पे पुरुष मुझे जानते हैं और जितना उनमें उल्लास है मेरे आने से, उतना महिलाओं में भी है। स्वर्णा जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं प्रचार के लिए? अभी हम पटनिया पंचायत जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ जो वहाँ पे जो सारे पंचायत होंगे, जो गांव होंगे, वो सब हम कवर करेंगे। तो उधर किस तरह से आप प्रचार करने वाली हैं? बस आप देखिए, अब हम लोग उतरेंगे और डोर टू डोर जाएंगे, और लोगों जहाँ लोग इकट्ठा रहते हैं उनसे मिलते हैं, लोग डोर टू डोर जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, और बस अपना उनको बोलते हैं भाई वोट दीजिए। दोस्तों, उनासी गोरा बोराम विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी श्रीमती स्वर्णा सिंह जी को जिताना है और नाव छापर बटन दबाना है। जिताना है, जिताना है, जिताना है और नाव छापर बटन दबाना है। हम सब ने जिताना है, हम सब ने हम
यहाँ स्वर्णा जी के पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल बना हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उनके कार्यालय के कार्यकर्ता, उनसे हम जानते हैं कि क्या माहौल है। नाम क्या है? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, क्या माहौल इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको? माहौल पूरा ही गरमाया हुआ है और ये है कि हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हैं। जितने भी युवा हो, महिला हो, बड़े बुजुर्ग हो, सब लोगों का हम लोगों को सपोर्ट है। जिस भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहाँ की जनता हम लोग के साथ है और इसी विश्वास के साथ स्वर्णा सिंह हम लोग आगे लीड कर रहे हैं और स्वर्णा सिंह की जीत होगी ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल आपने बनाया, जिस तरह से आपने प्रचार प्रसार किया है, उसी तरह का रिस्पॉन्स भी आपको यहाँ पर मिला है? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिल रहा है, चूँकि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस क्षेत्र में पढ़ी लिखी उम्मीदवार काफ़ी दिनों के बाद इस क्षेत्र में मिली है, लोगों के बीच जा रही हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला या कोई भी युवा, कोई भी जिनसे वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिनसे वो बात नहीं कर रही हैं, सबकी समस्या पे बात कर रही है। और जो चीज़ जो मेन मुद्दा है, बेरोज़गारी या आप यहाँ पे आपके जो बाढ़ की समस्या, सड़क की समस्या, उन सभी समस्याओं को सुन के उसको तत्कालीन हम लोग उसको जैसे ही हमारी पार्टी जीतेगी उस पर तत्कालीन उस पर कार्य किया जाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी ख़त्म हो सके, जितनी जल्दी सही तरीके से पूर्ण हो सके। जनता की समस्याओं को स्वर्णा सिंह ने बहुत अच्छी तरह से समझा है, घर घर जाके उनसे बातचीत की है, उन्हें बताया भी है कि किस तरह से वो उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। हम आशा भी करते हैं कि उनकी पार्टी जीते जिससे यहाँ के लोगों की समस्याओं का कुछ समाधान निकल सके। आगे कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है, किस तरह का रिस्पॉन्स उनके प्रचार के बाद यहाँ पर देखने को मिला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय प्रताप और सिंटू जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिला। स्वर्णा सिंह का बहुत अच्छा माहौल है, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, उनके काम काजों को लेके सारे जनता वोट देने के लिए बहुत इच्छुक हैं। स्वर्णा जी यहाँ महिला कैंडिडेट हैं, पूरा छाए हुए हैं। तो जिस तरह का रिस्पॉन्स आप यहाँ बता रहे हैं, बाकी जनता को एक तरफ देखें और महिलाओं को देखें, तो महिलाओं में भी क्या उतना ही उत्साह है उनको लेकर? महिला में भी उतना ही उत्साह है। तो यहाँ पर चुनाव की जो भी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई होंगी अब? हाँ, लमसम पूरी हो रही है। तो अब आपके आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान तो अभी बाकी है और प्रयास जारी है। हर आदमी के बीच में जा रहे हैं स्वर्णा सिंह जी, हर महिला के बीच में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार झा है। दिनेश जी, अब तक क्या क्या तैयारियां आपने पूरी कर ली हैं? हर पंचायत और हर बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता पूरे पूरी तैयार है। चुनाव के दिन अपार बहुमत से स्वर्णा सिंह नाव छाप का जीत हो वोट पड़ेगा और आगामी 10 तारीख को चुनाव उस काउंटिंग में हमारा बहुमत से विजय हो। जिस तरह से प्रचार आप लोगों ने किया है, क्या उसी तरह का रिस्पांस भी आपको देखने को मिला स्वर्णा जी को लेकर? पूरे पूरी इसीलिए कि आज़ादी के बाद दरभंगा जिला में एक भी महिला को कभी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया गया। आज इस गौराबोराम विधानसभा में स्वर्णा सिंह जी को उम्मीदवार बनाने से पूरा जिला उत्साहित है और खास करके गौराबोराम विधानसभा पूरे पूरी उत्साह में है। जो हर हाल में हम स्वर्णा सिंह को जिताएं, जो फिर से हमारी एनडीए की सरकार बिहार में बने और मोदी जी के नेतृत्व में जो सारा कार्यक्रम भारत पूरे विश्व भारत स्तर पर चल रहा है वह जमीन पर उतरे। जैसा कि हम यहाँ देख ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। आपका नाम क्या है? जी मैम, मेरा नाम अजय बिरोलिया हुआ। जैसा कि अब तक यहाँ पता चला है कि इस सीट से पहली महिला उम्मीदवार हैं स्वर्णा सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? मैं नामांकन के दिन भी ये बात स्थानीय लोकल चैनल पर बोल चुका हूँ। 1952 से इलेक्शन हो रहे हैं भारतीय संविधान के मुताबिक और वहाँ से लेके ये 2020 का खंडकाल है। अब तक निश्चित रूप से खास करके दरभंगा जिला में और ये मिथिलांचल में किसी राष्ट्रीय या किसी क्षेत्रीय दल ने अब तक किसी महिला का इतना बड़ा सम्मान नहीं किया जितना हमारे मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने अपने स्थानीय यहाँ 3 किलोमीटर के बगल में स्वर्णा सिंह का यहाँ पर
ससुराल है और हम लोग उनके समर्थक हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे, और उन सब के चलते और जो सक्रियता यहाँ के सभी एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो हम हो या वीआईपी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यू हो, सभी घटक दल के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारी सभी। तो जिस तरह से विपक्ष की भी यहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है, तो उसके बाद उनके प्रचार प्रसार और आपके प्रचार प्रसार को देखने के बाद क्या आप अपनी जीत सुनिश्चित कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें कतई शंका की गुंजाइश तक मैं नहीं देख रहा हूँ। निश्चित रूप से स्वर्णा सिंह का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा गोरापुरा विधानसभा में। 10 तारीख को आप देख लेंगे, अत्यधिक मतों से स्वर्णा सिंह विधानसभा पहुंचेंगे जीत के साथ गोरापुरा विधानसभा से। कार्यकर्ताओं का उल्लास, उनका कॉन्फिडेंस देख के यही दिखाई दे रहा है कि किस तरह से स्वर्णा सिंह का प्रचार यहां पर हुआ है। साथ ही उनके प्रचार के बाद जो माहौल यहां देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी यहां हो रही है स्वर्णा सिंह के नाम पर। मैंने आपको पहले भी बताया, इस सीट को वीआईपी सीट कहा जाता है। स्वर्णा सिंह पहली महिला उम्मीदवार है जो यहां से चुनाव लड़ रही है। अब आगे देखते हैं कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उल्लास, हम आशा करेंगे स्वर्णा सिंह ही चुनाव जीते और इस इलाके के विधायक बने, जिससे इस इलाके की जो भी समस्याएं, लोगों की जो भी समस्याएं, उनका समाधान निकाले। अब आगे का सफर हम तय करते हैं। नौका निशान देखी बटन दबे बे, स्वर्णा दीदी के हम मिलके जीते बे, गौड़ा गौरम में मचल हाहाकार, मोदी नीतीश माझी छै के मनहार, नौका के अय बेर लगा दियो पार। 57 साल के बाद पहली बार मौका मिलल थी एगो महिला प्रत्याशी अपन सीता संग बेटी, अपन जानकी संग बेटी, जिनका नाम है स्वर्णा सिंह, उनका अहाँ सब वोट दियो। उनके छाप है नौका छाप, नाव छाप, मुकेश सैनिक छाप, नाव छाप। 57 साल बाद मिलल एगो मौका, स्वर्णा दीदी के निशान अछि नौका। जहाँ से हमने शुरुआत की थी, हम फिर वहीं पहुँच गए। आप देख सकते हैं मैं स्वर्णा जी के घर के ठीक बाहर मौजूद हूँ। हमने पूरा दिन देखा कि किस तरह से स्वर्णा जी ने अपने दिन की शुरुआत की। एक लाजवाब नाश्ते के साथ उन्होंने बताया कि वो अपने दिन में क्या क्या चीज़ें करती हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने प्रचार किया, घर घर जाकर लोगों से बातचीत की, लोगों का प्रेम और विश्वास उन्हें मिला, और ये भी देखने को मिला कि लोगों में काफ़ी उत्साह भी है स्वर्णा जी के इस बार उम्मीदवार के तौर पर खड़े, चुनाव में खड़े होने का। और उसके बाद हमने उनके कार्यालय का भी दौरा किया, देखा कि क्या क्या तैयारियां वहां पर हुई हैं, किस तरह से चुनाव के लिए वहां के कार्यालय के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। और अब हम अपने सफर की समाप्ति यहीं करेंगे। तो दरभंगा जिले से कैपिटल टीवी के लिए कैमरामैन अशोक के साथ मैं अंशिका।